एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगले दो साल के अंदर देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने तय किया है कि अगले दो साल में इन छह राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। मंजूर है? हाथ खड़े कर दो जरा दोनों से। इन छह राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव क्यों लड़ेंगे? लोग आते हैं मेरे पास। दिल्ली तो एक पूरे देश का एक मिनी इंडिया है। दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आके रहते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, वेस्ट से भी आते हैं, लोग यहाँ के रहते हैं। उन लोगों से जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हमारा क्या कसूर है बताओ। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट दे दी, इससे फालतू और क्या देते हैं इनको, फिर भी काम नहीं करते, तो बोलो जी अब जनता क्यों त्रस्त हो। बोले हमको भी बिजली मुफ्त चाहिए, हमको भी बिजली 24 घंटे चाहिए, हमको भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमको भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमको भी फ्री दवाइयाँ चाहिए, हमको भी अच्छी सड़क चाहिए, हमको भी अच्छा पानी चाहिए। बोले इनके बस की ना है जी, इनको 325 सीट दे दी उसके बाद भी अगर इन्होंने कुछ नहीं करा तो बोलो जी अब तो आप ही की जरूरत है। तो अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा। जनता तैयार है, जनता को बस ये दिखाना है कि आम आदमी पार्टी हर जगह पहुंच गई है, आपको पहुंचने की जरूरत है। पिछले 5 साल के मेरे अनुभव ने ये दिखाया है कि अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे। इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम यही चलाया, जानबूझ के इन लोगों ने किया। और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था, सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था। वो ये नहीं बताती 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा। वो ये कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे अब, सन 1300 में ये हुआ। देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है। इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको यह नहीं पता आगे करना क्या है, इसलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं, इनकी नीयत खराब है। अगर आप सब लोग देश से प्यार करते हो तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है। हमारे पास, हमें पता है करना क्या है और हमें पता है कि वो करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। हमें पता है कि पूरे देश को शिक्षित कैसे करना है, हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, हमने करके दिखाया। हमें पता है कि गांव गांव तक, घर घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है। हम नारेबाजी नहीं करते, ये नारेबाजी करते हैं, रोज एक नया स्लोगन, हर घर जल कुछ कुछ, नारे करने से थोड़ी काम चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, साफ नीयत होनी पड़ती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।